गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कास्टिंग डिफेक्ट के दूसरे भाग में आज हम रिमेनिंग कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमने कास्टिंग डिफेक्ट होता क्या है, किन किन डिफेक्ट को हम टॉलरेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं या अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद हमने आपको कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में बताया था, उनको कैटेगराइज किया हुआ था डिफरेंट कैटेगरी के बिहाफ पर, और क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको ब्लू होल्स क्या होता है, किस कारण से डिफेक्ट हमारे डेवलप होते हैं ब्लू होल्स, कौन कौन से रीजन के कारण ब्लू होल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कौन से रेमेडीज को फॉलो करके हम ब्लू होल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिसमैच डिफेक्ट मैंने बताया था, दिस इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ मोल्डिंग फ्लास्क और पार्ट ऑफ द मोल्ड। थर्ड जो हमने आपको बताया था मिश्रण डिफेक्ट, मिश्रण होता क्या है, दैट इज मीन्स अनकम्प्लीट फिल्ड कैविटी। जो मोल्ड कैविटी बनाते हैं अगर वह कैविटी मोल्टन मेटल से कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो रही है तो उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे मिश्रण। सो इसके रीज़न मैंने आपको बताए थे, इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम, थिन सेक्शन, टू थिन सेक्शन, लो फ्लूडिटी ऑफ मोल्टन मेटल एंड लो टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। तो नेक्स्ट जो कास्टिंग डिफेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कोल्ड सट। जनरली कोल्ड सट होता क्या है, सो जनरली जो कोल्ड सट डिफेक्ट होता है दैट इज अ टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट। व्हाइट इज द सरफेस टाइप ऑफ डिफेक्ट, बिकॉज सरफेस पर हमें एक लाइन सी दिखती है जिसके कारण हम इस डिफेक्ट को कोल्ड सट बोलते हैं। सो व्हेन द मोल्टन मेटल एंटर्स इनटू द मोल्ड फ्रॉम टू गेट्स एंड व्हेन दीज टू स्ट्रीम्स ऑफ मोल्टन मेटल मीट एट अ जंक्शन विथ लो टेम्परेचर्स देन दे डू नॉट फ्यूज विथ ईच अदर एंड सॉलिडिफाई क्रिएटिंग अ कोल्ड सट। So generally it look like a crack. So जब दो different गेट से molten metal आती है और junction point पर जब वो properly fuse नहीं हो पाती है तो एक line के form में या crack के form में हमें defect appear होता है जिसको हम कोल्ड सट बोलते हैं। सो जनरली अ कोल्ड सट इज एन इंटरफेस विद इन अ कास्टिंग दैट इज फॉर्म्ड व्हेन टू मेटल स्ट्रीम्स मीट विदाउट कंप्लीट फ्यूजन। सो दो स्ट्रीम मोल्टन मेटल की अगर प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाती हैं तो जहां पर जंक्शन पॉइंट पर एक लाइन के फॉर्म में हमें डिफेक्ट मिलता है जिसको हम कोल्ड सट बोलते हैं। एंड दिस इज द डिफेक्ट विच मे बी प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग थ्री रीजन। फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ फ्लूडिटी। अगर मोल्टन मेटल में प्रॉपर फ्लोएबिलिटी नहीं होगी तो कोल्ड सट डिफेक्ट डेवलप होगा। जो मोल्टन मेटल हमने यूज किया है अगर उसको प्रॉपर मेल्टिंग टेम्परेचर तक हमने मेल्ट नहीं किया है, मींस लो मेल्टिंग टेम्परेचर हमने रखा है, तो उस केस में मेटल एज यूजुअल जल्दी सॉलिडिफाई होगी जिसके कारण प्रॉपर मिक्सिंग या प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाएगा। एंड थर्ड दैट इज द पुअर गेटिंग सिस्टम।
जो गेट्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा मॉल्टन मेटल आसानी से फ्लो कर सके, अगर वो गेटिंग सिस्टम हमने प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया होगा तब भी हमारा ये कोल्ड सेट डिफेक्ट डेवलप हो सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट रेमेडीज फॉर अवॉइडिंग कोल्ड सेट डिफेक्ट। सो फर्स्ट रेमेडीज इज दैट इम्प्रूव्ड गेटिंग सिस्टम और क्रिएट अ गुड डिज़ाइन फॉर द गेटिंग सिस्टम। सेकेंड, मेंटेन द प्रॉपर पोरिंग टेम्परेचर एज वेल एज मेल्टिंग टेम्परेचर। सो इफ वी फॉलो दीज टू रेमेडीज देन वी कैन अवॉइड कोल्ड सेट डिफेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डिफेक्ट विच इज नोन एज द श्रिंकेज कैविटी। सो जनरली श्रिंकेज कैविटी इज द डिफेक्ट विच इज ड्यू टू द टाइप ऑफ मेटल। मैंने आपको पैटर्न अलाउंसेस के केस में बताया था कि बिस्मथ एंड गैलियम मेटल को छोड़ के सभी मेटल्स श्रिंक होती हैं। अगर हमने उस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा तो उस केस में जब हम एक पर्टिकुलर मेटल को यूज करेंगे तो एक वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसके कारण एक कैविटी डेवलप होगी और उस कैविटी को हम बोलते हैं श्रिंकेज कैविटी। सो दिस इज द डिफेक्ट विच इज टेकन प्लेस ड्यू टू द वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जनरली जो श्रिंकेज कैविटी होती है वह दो रीजन के कारण डेवलप हो सकता है। फर्स्ट वन इज द पोरिंग टेम्परेचर इज टू हाई। जिस टेम्परेचर पर हम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी के अंदर पोर कर रहे हैं अगर वह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा उस केस में श्रिंकेज कैविटीज हमारी डेवलप होगी। एंड सेकेंड जो रीजन है दैट इज अनइवन और अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल। अगर प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा तो उसके वजह से अनइवन स्ट्रेस डेवलप होंगे और अनइवन स्ट्रेस की वजह से श्रिंकेज कैविटीज डेवलप होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट रेमेडीज बाय विच वी कैन अवॉइड श्रिंकेज कैविटी डिफेक्ट। सो फर्स्ट वन इज दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन मोल्ड डिजाइन। सेकेंड रेमेडीज इज दैट बाय यूजिंग चिल्स विच प्रमोट सॉलिडिफिकेशन इन अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ मेटल कास्टिंग। सो जनरली जब हम चिल्स का यूज करेंगे, चिल्स इज एन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू प्रमोट सॉलिडिफिकेशन इन अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ मेटल कास्टिंग। सो अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोर्शन में सॉलिडिफिकेशन को इम्प्रूव करना है तो उस केस में हम चिल्स का यूज करते हैं जो कि प्रमोट करता है सॉलिडिफिकेशन को। तो इस तरीके से हम श्रिंकेज कैविटी जैसे डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है पिन होल्स। सो जनरली एज द नेम इंडिकेट दे आर वेरी स्मॉल होल्स ऑफ अबाउट 2 mm in size which appears on the surface of the casting. So generally pinholes are found on the surface of the casting and they have very small size.
So generally this defect happens because of the dissolution of the hydrogen gases in the molten metal. When the molten metal is poured in the mold cavity and as it starts to solidify, the solubility of the hydrogen gas decreases and it starts escaping out the molten metal. So this will leaves a small numbers of holes in a casting which is called pin holes. So generally pin holes may be taken place due to following reason. First one is the whenever there is a high moisture present in the mold cavity. Second is absorption of hydrogen or carbon monoxide gas by molten metal. And third one is the pouring of steel from bed ladles or not sufficiently gasified. Agar hamare ladle mein moisture hoga, जिसके कारण हाइड्रोजन गैसेस ट्रैप्स होंगी और वह डिसॉल्युबल होके कास्टिंग से जब बाहर निकलेंगी तो स्मॉल होल्स हमें कास्टिंग पर मिलेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट रेमेडीज बाय विच वी कैन अवॉइड पिन होल्स डिफेक्ट. नेक्स्ट डिफेक्ट इज माइक्रो पोरोसिटी. सो such defect consist of a network of small voids distributed throughout the casting caused by localized solidification shrinkage of the final molten metal in the dendritic structure. तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, small voids develop हो जाते हैं metal के अंदर, जिसको हम बोलते हैं microporosity या ब्रॉडर सेंस में हम बोल सकते हैं पोरोसिटी. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट है. जो अगला डिफेक्ट है वो है हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक. सो जनरली दीज आर द क्रैक्स हैविंग रेड एजेस ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन. सो जनरली इट इज ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी इन द मेटल कास्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम हिंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग जस्ट आफ्टर द मेटल हैज सॉलिडिफाई. सो वी कैन से व्हेन द मेटल इज हॉट When the metal is hot, it is weak and the residual stress and residual stress किस nature का होगा? Tensile type का in the material cause the casting fails. So as the molten metal cools down, the failure of casting in this case it is looks like cracks and this defect is called as the hot tears or hot cracking. And so this is the diagram for the hot tears or hot crack. So for avoiding such type of defect we can use proper solidification. So generally hot crack may be taken place due to the improper mold design and this type of defect can be avoided by using proper cooling practice and second by changing the chemical composition of the metal. So by using these two remedies we can avoid hot tear or hot crack from the casting. This is the next defect which is called the porosity. And here you can see
द साइन ऑफ गैस पोरोसिटी. सो जनरली पोरोसिटी इज द फिनोमिना दैट अकर्स इन मटेरियल स्पेशली कास्टिंग एज द चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन. सो कास्टिंग पोरोसिटी हैज द फॉर्म ऑफ सरफेस एंड कोर इम्परफेक्शन विच आइदर इफेक्ट द सरफेस फिनिश और एज ए लीक पाथ ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. सो जनरली जब हमारा मेटल का स्टेट चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, उस ड्यूरेशन में जो गैसेस होती हैं मेटल के अंदर या जो ट्रैप हो जाती हैं वह मेटल से एस्केप्स होती हैं, जिनका इम्प्रेशन सरफेस पर रह जाता है और उस इम्प्रेशन को हम पोरोसिटी बोलते हैं. सो फॉर अवॉइड सच टाइप ऑफ डिफेक्ट वी कैन यूज प्रॉपर मोल्ड सैंड विच हैव सफिशियंट मॉइस्चर. इफ देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर देन देयर विल बी चांस फॉर डेवलपिंग ऑफ पोरोसिटी डिफेक्ट. सो नेक्स्ट डिफेक्ट इज स्केयर. सो जनरली अ स्केयर इज अ शैलो ब्लो एंड इट जनरली अकर्स ऑन अ फ्लैट सरफेस वेयर इज अ ब्लो अकर्स ऑन अ कॉन्वेक्स कास्टिंग सरफेस. सो हियर यू कैन सी दिस इज द डायग्राम फॉर द स्केयर. जनरली स्केयर्स जो डेवलप होते हैं दे विल डेवलप ऑन द फ्लैट सरफेस और ये यहाँ पर एक खाली स्पेस होता है जिस पर एक पतली सी लेयर होती है कंप्लीटली कवर होती है जिसको कि हम स्केयर डिफेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट डिफेक्ट इज ब्लिस्टर. सो अ ब्लिस्टर इज अ शैलो ब्लो लाइक अ स्केयर विद अ थिन लेयर ऑफ मेटल कवरिंग इट. आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डिफेक्ट था वो कम्प्लीटली थिन लेयर के द्वारा कवर था, बट ब्लिस्टर में ऐसा नहीं होता है. शैलो ब्लो होता है बट इट इज नॉट कम्प्लीटेड बाय द थिन लेयर. नेक्स्ट डिफेक्ट इज कट और वास. सो जनरली कट और वास इट इज अ लो प्रोजेक्शन ऑन द ड्रैग फेस ऑफ अ कास्टिंग दैट एक्सटेंड्स अलोंग द सरफेस डिक्रीजिंग इन हाइट एज इट एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द कास्टिंग टू द अदर एंड. सो जनरली कट और वास अकर्स इन बॉटम गेटिंग कास्टिंग. मैंने आपको गेटिंग सिस्टम बताया था, उसमें मैंने आपको टॉप गेट सिस्टम बताया था, बॉटम गेट सिस्टम बताया था, पार्टिंग गेट सिस्टम बताया था. तो जनरली जिस कास्टिंग में हम बॉटम गेट यूज करते हैं उस केस में कट और बास जैसे डिफेक्ट डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज मोल्डिंग सैंड हैज़ इनसफिशियंट हॉट स्ट्रेंथ एंड व्हेन टू मच मेटल इज मेड टू फ्लो थ्रू वन गेट इनटू द मोल्ड कैविटी देन कट और बास मे बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस. मैं यहाँ पर जितने भी हमने कास्टिंग डिफेक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है उनको समराइज करूँगा. कास्टिंग डिफेक्ट पार्ट वन में हमने ब्लू होल्स, मिश्रण या मिसमैच और कोल्ड सेट के बारे में आपको बताया था. कास्टिंग डिफेक्ट पार्ट टू में हमने रिमेनिंग डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया. जनरली सरफेस डिफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, डिफेक्ट क्या होते हैं, किन वजह से ये डेवलप होते हैं और हम इन डिफेक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. बिकॉज इन अ इंडस्ट्री there is a focus on defect free casting, hence the proper knowledge of such types of defect must be present in the mind of an
इंजीनियर। तो अभी जो हमने इतने सारे डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, उसी पर बेस्ड हमारा एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बैंक है, जिसको हम क्विज बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट अ गैस डिफेक्ट? सो देर आर द फोर ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्लो होल्स, एयर इंक्लूजन, रन आउट एंड पिन होल पोरोसिटी। मैंने आपको पहले ही टॉपिक में कास्टिंग डिफेक्ट को क्लासिफाई किया था, उसमें प्रॉपर आपको बताया था, और आपको याद होगा कि कौन से गैस डिफेक्ट होते हैं और गैस डिफेक्ट के कारण कौन कौन से डिफेक्ट कास्टिंग में डेवलप हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मिश्रण इज अ कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू। मिश्रण किस डिफेक्ट के कास्टिंग डिफेक्ट है, किसके कारण डेवलप होता है? सो वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल, सेकेंड इनसफिशियंट फ्लूडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल, थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द लिक्विड मेटल, एंड फोर्थ इज द इम्प्रॉपर अलाइनमेंट टू द मोल्ड फ्लास्क। थर्ड क्वेश्चन है, टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल विच आर नॉट इनफ टू फ्यूज प्रॉपरली रिजल्ट्स इन टू अ कास्टिंग डिफेक्ट नोन एज। जब मोल्टन मेटल की दो जेट आपस में प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाती हैं, तो उसके कारण जो डिफेक्ट डेवलप होता है वह डिफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन ए है कोल्ड शट, ऑप्शन बी स्वेल, ऑप्शन सी सैंड वॉश, एंड ऑप्शन डी स्कैप। तो इसका मैंने जवाब आपको अपने लेक्चर में दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा निश्चित तौर पर आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। उसी तरीके से ये और भी क्वेश्चन हैं जो कि हमारे आज के लेक्चर पर ही बेस्ड, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कट वासिस स्वेल ड्रॉप आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट। सो ऑप्शन आपके पास है गैस डिफेक्ट, पोरिंग मटेरियल डिफेक्ट, मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट, एंड फोर्थ इज द मेटलर्जिकल डिफेक्ट। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब लिखकर एलएमएस पर अपलोड करना है, जिसका एवेल्युएशन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। तो आपको, आप सभी को ये आवश्यक है कि आप इन क्वेश्चंस के जवाब सबमिट करें। आपको एक गाइडलाइन दी जाएगी कब आपको सबमिट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्विज को सबमिट करना होगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें कि अगर हमने स्टूडेंट्स को कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में बताया, तो उसके लिए ये कास्टिंग डिफेक्ट क्यों जानना जरूरी है? सो, आपने देखा होगा, मैंने इस लेक्चर में आपको बताया कि पर्टिकुलरली कास्टिंग डिफेक्ट होते क्या हैं। उन डिफेक्ट के डेवलप होने के क्या क्या रीजन होते हैं, उन डिफेक्ट को कौन कौन से प्रिकॉशन लेकर हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और जनरली पर्टिकुलर टाइप के जो डिफेक्ट डेवलप होते हैं उनके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो फर्स्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट, इट्स रीजन एंड रेमेडीज फॉर अवॉइडिंग दीज डिफेक्ट। सो दीज आर द रेफरेंसेस फॉर टूडेज लेक्चर। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द कास्टिंग डिफेक्ट, सो यू कैन रेफर माइकल पी ग्रूवर इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और यू कैन रेफर इंडियन राइटर्स लाइक अ पी एन राव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फाउंड्री फॉर्मिंग एंड वेल्डिंग। देर इज अ गुड बुक ऑल्सो इज प्रेजेंट विच इज
मैन्युफैक्चरिंग साइंस बाय अमिताभ घोष एंड ए के मलिक। तो अगर आपको कास्टिंग डिफेक्ट या कास्टिंग से रिलेटेड और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना है तो आप इन बुक्स पर फोकस कर सकते हैं। तो आप सभी ने कास्टिंग डिफेक्ट पार्ट टू वीडियो को अटेंड किया, निश्चित तौर पर आपने कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में जाना होगा, कौन कौन से रीज़न हैं जिनके कारण कास्टिंग डिफेक्ट डेवलप होते हैं आपने समझा होगा। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।